मैं हूं अक्षत इकबाल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पबजी का गेमिंग टेस्ट। मेरे पास है रेडमी का नोट 9 प्रो। तो डिवाइस तो ये 2020 मॉडल है, सितंबर रिलीज है इसकी, तकरीबन 2 साल ओल्ड मॉडल है, लेकिन फिर भी चेक आउट करते हैं कि हम ये गेमिंग में किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है अभी। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम गेम को और मज़ीद बात करेंगे इसके डिटेल में। दोस्तों गेम हमारा ऑन हो चुका है। मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं कि हमें ग्राफिक्स में हमें क्या सेटिंग मिल जाती है इसमें। ग्राफिक्स में आइए दोस्तों, तो ये देखिए स्मूथ पे अल्ट्रा का ऑप्शन है और HD पे मीडियम और हाई का ऑप्शन है, तो हम इसको रख लेते हैं स्मूथ पे अल्ट्रा। दोस्तों प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें स्नैपड्रैगन 720G है जो कि 8 नैनोमीटर का एक प्रोसेसर है और बहुत ही कामयाब प्रोसेसर है। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस किस तरह की देता है हम चेक कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको इसका सबसे पहले मेरे ख्याल से हमें इसका FPS मीटर ऑन कर लेना चाहिए। दोस्तों FPS मीटर रेडमी में बिल्ट इन होता है, वो भी ऑन करने का तरीका आपको बता देता हूँ मैं। अपने दोस्तों आ जाना है अबाउट में, MIUI वर्जन को अपने क्लिक करना है। तो देखिए हमारा डेवलपर ऑन हो जाता है। डेवलपर ऑन होने के बाद हमने आ जाना है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन, उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर FPS मीटर्स का एनेबल कर लेना है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि हमें एग्जैक्ट कितने FPS का गेम प्ले दे रहा है। दोस्तों ये ऑप्शन है पावर मॉनिटर का, यहाँ पे हम FPS रेट को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं टेम्परेचर भी फोन का दिखा देता हूँ फिलहाल के क्या टेम्परेचर है हमारे पास। हमारे पास फिलहाल जो टेम्परेचर है 33 है। तो गेम प्ले करते हैं दोस्तों। ताकि हमें प्रॉब्लम ना करे गेम प्ले में भी। दोस्तों हम सबसे पहले लगा लेते हैं एक TDM, क्या ख्याल है? तो काफी ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। FPS मीटर की सेटिंग या ऊपर FPS तो शो हो रहे हैं। फोन का जायरो यहाँ ऑन करके देखता हूँ मैं। इसका परफेक्ट है, कोई भी ग्लिच या इसमें नहीं है। ओ भाई 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 क्या कर रहे हैं भैया, गेम यार बिल्कुल स्टेबल चल रहा है फिलहाल। तो गेम की एक अलग धार चल रही है दोस्तों, मतलब मजेदार गेम चल रहा है, इशू नहीं है किसी किस्म का, लग नहीं रहा मुझे। ये गन जो है ना मुझे अपने कमा सूत्रा वाली गन निकालनी पड़ेगी। सॉरी यार, ये ज़रा उल्टा सीधा नाम रखा हुआ इसका। क्योंकि बिगड़े हुए जो लोग हैं ना इसी गन से तकरीबन सही होते हैं। दोस्तों FPS सर देखो 40 है, तो अल्ट्रा पे वैसे भी इसके 40 ही FPS आने चाहिए,
इसके स्मूथ अल्ट्रा पे 40 ही FPS होते हैं। जायरो गेम का काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ेदार लग रहा है। इस हिसाब से जो है ना इसका 720 जो है बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों मैं बात करूँगा इसकी रैम की, मेरे पास जो वेरिएंट है ये 6GB रैम में आता है, इसमें 8GB वाला भी है वेरिएंट, लेकिन मेरे पास ये 6GB और 128GB वाला है। बैटरी की बात करूँ तो इसके अंदर 5000mAh की बैटरी है और इसमें 30W की चार्जिंग की सपोर्ट भी है। डिस्प्ले की बात करते हैं दोस्तों, 6.67 इंच का इसका एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है, जो कि IPS डिस्प्ले है, लेकिन इसकी अगर आप ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी चेक करोगे तो ये बहुत ही औसम है। बेहतरीन गेम प्ले है, बेहतरीन मतलब मुझे उम्मीद नहीं था कि ऐसा भी होगा, लेकिन बेहतरीन गेम प्ले है, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। भाई क्या हो रहा है ये, FPS आप देख सकते हो, FPS बिल्कुल स्टेबल है इसके, 40, 39, 38 इतना तो होता है यार, लेकिन एकदम से जैसे ड्रॉप हो जाना FPS का और ग्लिच कर देना, इस तरह का कोई इशू नहीं आ रहा है। चल भाई चल। मजा आता है यार इस गन से, बड़ा मजा आता है खेलने में। मेरे तमाम जो फ्रेंड है ना, वो भी अगर हमने आपस में कोई रोम वगैरह लगाना होता है तो मुझे बोलते हैं भाई आप ये गन नहीं चलाओगे, शॉर्ट गन नहीं चलाओगे, बस उसके अलावा कुछ भी चलाओ। खैर मजा आता है दोस्तों, KDM का एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा है मुझे। बाकी हम एक अभी यहाँ पर फुल मैच में ट्राई करते हैं कि बड़े मैच में कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है फ़ोन। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम शुरू कर लेते हैं, एक बड़ा मैप लगाते हैं, क्या ख्याल है, क्या लगाएं, लिविक लगा लें ताकि आपका मैं ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना करूँ और आपको बता पाऊँ बेहतर कि किस तरह की परफॉर्मेंस है फ़ोन की। स्टार्ट करते हैं हम, दोस्तों मेरा मानना यह है कि लॉबी में आते ही जो है ना फ़ोन की परफॉर्मेंस का आइडिया हो जाता है कि फ़ोन हमें किस तरह की परफॉर्मेंस देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जितने भी एनिमीज वगैरह होते हैं सारे इसके 100 बंदों ने एक साथ जमा होना होता है या 50 बंदों ने जमा होना होता है तो गेम पे फुल लोड होता है। तो यहाँ पर तो FPS बिल्कुल स्टेबल है, देखिए 40 FPS आ रहे हैं हमारे पास, तो इस हवाले से परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है यार फ़ोन की। कैमरा मूव कर रहा हूँ, FPS थोड़े से ड्रॉप हो रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, सही है। पूरा करें
भाई। ये भाई डर लग रहा है अभी जाया। ओ भाई पीछे से भी आ रहे बंदे। शिट 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 शिट। काफी मैच सनसनीखेज हो गया था। काफी कर दोगे तो भाई मेहरबानी। अच्छा जी रिकॉल के पास हमारा बंदा मौजूद है दोस्त। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है तो भी हम यहाँ पर ही मार धार में जा रहा मैं। काफी ज्यादा मजे का गेम प्ले दोस्तों। अभी तो गेम जो काफी ज्यादा जो है ना ग्राफिक्स में हैवी कर दिया गया है, उसके बावजूद यार मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगी इसके परफॉर्मेंस। प्रोसेसर की 720G की और रेडमी नोट 9 प्रो की। तो पाकिस्तानी मार्केट में तो यूज़ में ही आ रहा है क्योंकि 2020 का मॉडल है ये, तो जाहिर है यूज़ प्राइस इसकी तकरीबन ये भाई तो बंदा है। पाकिस्तानी मार्केट में दोस्तों ये फ़ोन मिल जाता है 25,000 से 30,000 के रेंज में यूज़ में। इंडिया में ये फ़ोन कितने का है दोस्तों आप मुझे बताएं कि यूज़ में इसकी क्या प्राइस है और न्यू में कितने का था। अरे यार ये तो बोर्ड लग रहा है मुझे यार, मैं चल रहा हूँ उससे यार। थैंक यू बोर्ड भाई आपने हमें गन प्रोवाइड की। क्रिकेट मैं आपको यहाँ फ़ोन का दिखाया था हूँ, तकरीबन मैंने ऑफलाइन भी खेला है। ऑफलाइन से मुराद मतलब आपके कैमरे के सामने नहीं, तो 1 घंटा होने वाला है। फ़ोन का फिलहाल टेम्परेचर हमारे पास है 39.5, तो मेरे हिसाब में ठीक है। फिलहाल मेरे कमरे में जो है एसी भी ऑफ है और फैन भी ऑफ है क्योंकि ये 8 नैनोमीटर का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गेम लैग हुआ है तो एनिमीज की वजह से आई थिंक। क्या ख्याल है दे यार ये सही है बेहतर है। मेरे ख्याल से अगर आप 60 FPS पे भी खेलने वाले हो ना तो ये डिवाइस इस तरह गेम स्टेबल चला रही है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इतना ज़्यादा इशू नहीं है कि आपको फील होगा कि भाई एकदम से आप 60 से 40 जा रहे हैं।
डिवाइस की अगर मैं ओवरऑल कैमरा की बात करूं तो इसका बैक कैमरा 64 मेगापिक्सल है, तो 64 मेगापिक्सल बहुत ही कमाल का है ये, 60 FPS की वीडियो भी रिकॉर्ड करता है ये। iOS तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन ज़रूर है। देखो स्मोक आ गया मैंने, चलो शायद कहीं कुछ फ़ायदा होता ही हो इसका भी। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है और Redmi Note 9 Pro की परफॉर्मेंस कैसी लगी है आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओ भाई ओ भाई ओ भाई क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ लग रहा है कि मैं सारे आम बैठ गया। जब भी मैं लेवल लेवल में बैठ रहा था वो ले भाई ओ जला रहे हो यार। अबे यार ये क्या है यार, ये शिट। तो दोस्तों ये था Redmi Note 9 Pro का गेमिंग टेस्ट। कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नई नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक न्यू वीडियो के साथ।